रीवा जिले से है, जहां रियासत काल से लक्ष्मण बाग संस्थान की संपत्तियां प्रदेश के साथ देश के कोने कोने पर फैली हुई हैं। हालांकि राजनीति का फायदा उठाते हुए कुछ ठेकेदारों ने कई संपत्तियों को खुर्द बुर्द कर अपनी तिजोरियां भर ली हैं। इसके बावजूद लक्ष्मण बाग की संपत्तियां कई प्रदेश में आज भी विद्यमान है। इन संपत्तियों के संधारण के लिए समय समय पर बैठक आयोजित की जाती है, लेकिन बैठकों के बाद भी इन संपत्तियों को बचाने और लक्ष्मण बाग के विकास में कोई खास पहल नहीं होती दिखी है। जानकार तो यहां तक कहने लगे हैं कि इन संपत्तियों को चिन्हित कर बेचने का काम शासन प्रशासन और जवाबदार कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी लक्ष्मण बाग की संपत्ति थी, जिसे विगत दिनों बिक्री कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर के साथ रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला मौजूद रहे, जिनके द्वारा लक्ष्मण बाग की संपत्तियों से फायदा उठाकर विकास की बात कही गई है। आइए सुनते हैं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने लक्ष्मण बाग की उक्त संपत्तियों के संबंध में क्या कहा है। लक्ष्मण बाग संस्थान के संपत्तियां जो पूरे देश में है, बद्रीनाथ में है, हरिद्वार में है, मथुरा वृंदावन में, तिरुपति में, उसके संधारण से संबंधित नियमित बैठक ये रही है, जिसमें वहाँ की प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से और बेहतर बना के और आय का स्रोत बढ़ाया जा सके, जिससे हमारा जो मूल केंद्र है लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा, उसकी चमक को और बढ़ाया जा सके और विकास किया जा सके। उस दृष्टि से हर महीने नियमित ये बैठक होती है। सेमरिया में भी प्रॉपर्टी है, चित्रकूट में भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में यदि हम कुछ ऐसी चीज़ खड़ी कर दें जिससे वहाँ की आमदनी बढ़े और वो आमदनी से हम अपने रीवा के इस परिसर का जो 50 एकड़ के लगभग है, उसके मंदिर के जीर्णोद्धार और उसके विकास और परिसर के विकास में लगा सकें, उससे संबंधित ये बैठक रही है। उसके साथ ही बसामन मामा गोवंश वन विहार, जहाँ पर 10,000 गायों का केंद्र बन रहा है, उसमें करीब 7 ऐसे शेड हैं जिनका काम चल रहा है। 9 शेड बन चुके हैं, 7 शेड में काम चल रहा है। गेस्ट हाउस बन रहा है, वहाँ पे भव्य गेट बनाने की योजना है, जिससे 10,000 गायों को वहाँ पर रखा जा सके। अभी 5,000 गायें हैं वहाँ, 10,000 करना है, तो उसी की प्रगति की समीक्षा आज यहाँ पर हुई है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888599 पर।